हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपके लिए नया जबरदस्त वीडियो लाया हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत पसंद आएगा। उस वीडियो में आप देखेंगे कि जो आजकल जो वोटिंग का सेशन चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आप देखिए इस वोटिंग मशीन में कितना क्या घपला हुआ, जिससे कि हमारे देश की बड़े बड़े हमारे नेता है वो क्या चीज़ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप वो देखिए क्यों लड़ पड़े आपस में दोनों, आप देखिए जरूर इस वीडियो को। ईवीएम मशीन जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं, क्लियर बटन दबाते हैं। क्लियर बटन दबाने के बाद आप देख रहे, अभी मैंने दबाया नहीं है, आप देख रहे हो टोटल 20 वोट है। अभी मैं क्लियर बटन दबा रहा हूँ तो अभी वोट जीरो हो गए, मतलब मशीन के अंदर का सब डेटा डिलीट हो गया है। अभी 7 बजे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट बटन दबाता है, उसके बाद बैलेट यूनिट पे लाइट आ गया है ग्रीन, आप देख रहे हो। अभी वोटिंग के लिए मशीन रेडी हो गई, अभी एक वोट कास्ट होएगा तो वो रिकॉर्ड होगा। तो अभी आपने आवाज भी सुना है और लाइट भी देखा, एक वोट तो उसके बाद वोट नहीं एक्सेप्ट करेगा। जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगली बार वापस बैलेट बटन नहीं दबाता है कंट्रोल यूनिट पे, तब तक वोट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अभी हम लोग और एक बार कर रहे हैं, दूसरा वोट डाला है, तीसरा वोट डाला है, चौथा वोट डाला है, पांचवा वोट डाला है। अभी हम शाम के 5 बजे क्लोज बटन पे बटन दबाया जाता है तो उसके बाद मशीन वोट एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके बाद रिजल्ट बटन काउंटिंग के डेट के वक्त रिजल्ट बटन दबाया जाता है तो आप देख रहे हो एक नंबर को टोटल 5 वोट्स है, टोटल वोट्स भी 5 है और एक नंबर को 5 है, बाकी सब लोग को 0-0 है। तो ये मशीन बराबर चल रही है, लेकिन ये मशीन में अभी बाइजिंग मोड में कैसे जाने का हम आपको बताएंगे कि अभी हम वापिस बताएंगे कि बाइजिंग मोड में वोट ट्रांसफर कैसे होते है। तो इसके लिए की सिक्वेंस है, अभी आप ये मेरे हाथ में जो कागज है उसके ऊपर देख रहे हैं ये आंकड़े है। ये आंकड़ों का मतलब है कि अभी 4 नंबर के उम्मीदवार को जिताने के लिए आपको 3-2-5-1-4 ये सिक्वेंस से वोटिंग करना पड़ेगा। मतलब वोटर आएगा वो पहला वोटर 3 नंबर को वोटिंग करेगा, उसके बाद का वोटर 2 नंबर को वोटिंग करेगा, फिर 5 नंबर को, 1 नंबर को और 4 नंबर, ऐसे 5 वोटर लाइन से 4 बजे जाके वोटिंग करेंगे। तो उसके पहले जो वोट पड़े रहेंगे उसमें अभी जो मैंने प्रोग्राम लिखा उसमें 50% वोट ट्रांसफर होता है। अभी मैं आपको करके बताऊंगा, अभी हम लोग वापिस देख रहे हैं। अभी मैं क्लोज बटन दबा रहा हूँ, क्लियर बटन दबा रहा हूँ तो टोटल वोट्स 0 हो जाएंगे। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर के उम्मीदवार को 10 वोट डालेंगे, 2 ओके। अभी हम लोग ने 10 वोट डाले हैं, अभी हम लोग को 4 नंबर के कैंडिडेट को जिताना है। तो अभी अगला वोट जो आएगा वो 3 नंबर को डाला जाएगा, तो 3 नंबर को हम लोग ने 1 वोट डाला है, उसके बाद 2 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 5 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 1 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 4 नंबर को वोटिंग होगी। अभी हम लोग ने टोटल 15 वोट डाले है, जिसमें से 1 नंबर को हम लोग ने 11 वोट डाले थे, पहले 10 और बाद में 1, ऐसे 11 वोट डाले थे। अभी मैं क्लोज बटन दबा रहा हूँ और उसके बाद रिजल्ट बटन दबा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं टोटल 11 वोट थे, उसमें से 4 वोट कटे हैं। और अभी 4 नंबर के कैंडिडेट को हम लोग ने सिर्फ 1 ही वोट डाला था, लेकिन उसका कुल वोट 8 है। देखो टोटल वोट 15 है, मतलब वोट टैली हो रहा है, लेकिन बाकी के लोगों के भी वोट ट्रांसफर हो गए। 1 नंबर का वोट 4 ट्रांसफर हुआ है, 2 नंबर को हम लोग ने 1 वोट डाला था उसका भी 1 वोट नहीं आया, 0 है। 3 नंबर को भी हम लोग ने 1 वोट डाला था उसका भी 0 आया है। इसका मतलब इन लोग का, अभी मैं सबके सब भी वोट 1 नंबर के ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन अगर 1 नंबर के सारे वोट ट्रांसफर होंगे तो किसी को भी डाउट आएगा तो वाद विवाद होगा। तो गाइज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, बट प्लीज़ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले फॉलोवर्स भी देख सकेंगे कैसे एक के वोट दूसरे के वोट में सेंड हो जाते हैं। बट प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू टू वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच।